हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, डीएलएड प्रशिक्षु भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आपका एससीईआरटी से ये नोटिस निकला है। प्रेषक धर्मेंद्र मिश्र, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त 2021, विषय डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किए जाने के उपरांत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय सेमेस्टर हेतु आहर्य प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, महोदय उपर्युक्त विषयक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक डीएलएड 2019-704-06-2021-22 दिनांक 8/7/2021 जो आपको संबोधित है, तथा जिसके द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किए जाने एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित प्रशिक्षुओं की आंशिक सेमेस्टर बैक पेपर की लिखित परीक्षाएं आयोजित किए जाने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपके लिए यही है कि जो तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, जिन लोगों ने द्वितीय सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त किए थे या वो उनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, तो वो अब प्रमोट किए जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक था, उनको फिर से बैक पेपर देना पड़ेगा। कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पे देखिए, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए हैं। इसमें देखिए, पहला है, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान की जाए। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए, और तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत जो अंक अर्जित किए जाएंगे, उसका औसत अंक ही उनके तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर में सारे विषयों में उत्तीर्ण है, उन्हें थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा ना दे करके अब फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। लेकिन जो जिन प्रशिक्षुओं का बैक पेपर है, उनको फिर से वो पेपर देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है। और देखिए, यहाँ पे तीसरा क्या है, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुपस्थित प्रशिक्षुओं तथा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की आंशिक सेमेस्टर बैक पेपर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये सबके लिए महत्वपूर्ण खबर है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपका फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी, सामाजिक अध्ययन और शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये तीनों चैप्टर डिटेल स्टडी कराई गई है, तो आप उसका अध्ययन जरूर करिए। दोस्तों, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।